नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। खबर हटा के साथ बने रहें। आज की दिनभर की विशेष खबरें देखें आप। कपड़ों पर खून लगा देखा तो ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। हत्याकांड के आरोपी पकड़े, नशे की हालत में हत्या की वजह आई सामने। हटा एसडीओपी ने किया खुलासा। खेत में कार्य करते युवक को बिच्छू ने काटा, गंभीर हालत में सिविल अस्पताल हटा लाया गया, इलाज जारी। दो पक्षों में हुआ विवाद, 6 हुए घायल, दोनों पक्ष पर मामला दर्ज। कांग्रेस का मंडल सेक्टर कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न, भारत जोड़ो यात्रा गांधी चौपाल पर चर्चा। कराटे में प्रदर्शन करने वाले बच्चों का हुआ सम्मान, कुंडलपुर में भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा। बाल विवाह रोकने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल जलाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। अब खबर विस्तार से। कपड़ों पर खून लगा देखा तो ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। हत्याकांड के आरोपी पकड़े, नशे की हालत में हत्या की वजह आई सामने। हटा एसडीओपी ने किया खुलासा। मरियादो थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना खेड़ा के सिद्धवावा स्थल पर मृतक प्रभु राजपाले की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। घटना के कुछ ही समय बाद ग्रामीणों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हटाए एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मीडिया को अवगत कराया कि सूचना पर पुलिस एफएसएल और बीएसएफ मौके पर पहुंची, पत्थर से कुचलकर हत्या की स्पष्ट थी। इसी बीच ग्रामीणों परिजनों ने बताया कि 2 लोगों के कपड़ों पर खून लगा हुआ है जो गाँव के पास में ही जाते देखे गए हैं। तत्कालीन तलाशी उपरांत संदेही भूरा बंजारा और रूपा बंजारा को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ में सामान्य कोई पुरानी बुराई और नशे की हालत में हत्याकांड को अंजाम देना सामने आया है। उक्त दोनों आरोपियों के साथ जाने की बात मृतक के पिता ने रिपोर्ट में भी बताई थी। दोनों ही आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया है। कल सुबह प्रभु राजपाल जी के पिता ने थाने में आकर सूचना दी थी, इसी बुलेरो थाने में, उसके पुत्र का शव गांव के बाहर एक निर्जन स्थान पर उचली हालत में पड़ा हुआ है। उसने यह भी बताया था कि कल रात में करीब 8:30 बजे गांव के ही 2 व्यक्ति रूपा बंजारा और भूरा बंजारा उसके साथ में गए थे। इसकी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लीक करने के बाद हमारे थाना प्रभारी, हम, हमारे वैज्ञानिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर जो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों से बिल्कुल स्पष्ट था कि उस व्यक्ति को किन्हीं व्यक्तियों ने पत्थर से कुचल दिया। जैसे हम पंचनामा कार्रवाई कर रहे थे उसी समय हम लोगों के ज्ञात हुआ कि रूपो बंजारा और भूरा बंजारा दोनों व्यक्ति उस घटनास्थल के पास में ही दूर जंगल में कहीं छुपे थे। गांव वालों ने इस बात की सूचना दी कि उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ है। उसी आधार में हमारे जो स्टाफ मेंबर वहाँ थे उनके आधार पर उनको हम लोगों ने राउंडअप किया, जो पूछताछ की उन्होंने अपराध स्वीकार किया। हत्या की क्या वजह है सामने आई सर? ऐसा कोई बहुत विशेष वजह तो सामने नहीं आई। सामान्य तौर पर उनकी एक छोटी मोटी की पुरानी बुराइयाँ थी इस बात को लेकर, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि उस समय उनमें से 2 व्यक्ति नशे की हालत में थे। खेत में कार्य करती युवक को बिच्छू ने काटा, गंभीर हालत में सिविल अस्पताल हटा लाया गया, इलाज जारी। हटा थाना क्षेत्र के भटिया टपरिया गांव में खेत में कृषि कार्य करते समय एक युवक को बिच्छू ने काट लिया। गंभीर अवस्था में पप्पू सिंह लोधी, पिता नारायण लोधी, उम्र 26 वर्ष को सिविल अस्पताल हटा लाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि पप्पू सिंह लोधी खेत में कचरा बीन रहे थे, तभी उन्हें बिच्छू ने काट लिया। परिजनों की मदद से सिविल अस्पताल हटा लाया गया है। क्या नाम आपका? पप्पू सिंह लोधी। कहाँ के हो? कुटवी टपरिया। क्या कर रहे थे आप? खेत में कचरा बीन रहे थे। कब की घटना है? अरे अभी 10-12 घंटा पहले। तो काम करते समय वहाँ बिच्छू था खेत में। दो पक्षों में हुआ विवाद, 6 हुए घायल, दोनों पक्ष पर मामला दर्ज। हटा नगर हटा के कमला नेहरू वार्ड में शनिवार देर शाम दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों तरफ से 6 लोग घायल हो गए, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्पेंद्र पिता पूरन लाल साहू कमला नेहरू वार्ड ने बताया कि उनके प्लॉट पर मकान निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान बगल में रहने वाला ओम साहू, प्रकाश साहू, जय साहू तीनों आए और गाली गलौज करते हुए घर निर्माण के कार्य को बंद करने की बात कहते हुए झगड़ने लगे। इसी तरह ओम साहू उम्र 20 वर्ष ने बताया कि बगल में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें उसके किचन की नाली निकली है। जिस घर का निर्माण कार्य करा रहे हैं
गोलू साहू ने बंद कर दिया। जब मेरी माँ ने उसे बंद करने से मना किया तो वह लोग गाली बकने लगे। दोनों तरफ से हुई कहासुनी का यह विवाद तूल पकड़ गया और दोनों ही पक्ष सामने आमने सामने हो गए, जिसमें लोहे की रॉड और एवं पत्थरों से दोनों पक्ष लड़ने लगे। स्थानीय लोगों ने यह विवाद शांत कराया। तब दोनों पक्ष पुलिस थाना हटा पहुंचे, जहां पिटाई से घायल हुए ओम साहू की रिपोर्ट पर गोलू साहू, पप्पू साहू, सौरभ साहू आदि पर धारा 323, 294, 506 के तहत का मामला पंजीबद्ध किया गया। वहीं दूसरे पक्ष से पुष्पेन साहू की रिपोर्ट पर प्रकाश साहू, ओम साहू, जय साहू पर धारा 323, 324, 294, 505 तहत का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने दोनों पक्ष के घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर मामले की जांच प्रारंभ की। कांग्रेस का मंडल सेक्टर कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न, भारत जोड़ो यात्रा गांधी चौपाल पर चर्चा हटा। नगर हटा के अग्रसेन नगर स्थित अग्रवाल लॉज में रविवार को कांग्रेस का मंडल सेक्टर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस के दमोह जिला संगठन प्रभारी धर्मेश घई और सह प्रभारी पवन पटेल की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नेतृत्व की ओर से जारी दिशा निर्देशों को बताते हुए भारत छोड़ो यात्रा और गांधी चौपाल आयोजन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के तहत सक्रिय कार्यकर्ताओं को उनकी जवाबदेही तय की गई। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पार्टी द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों से अवगत कराया। इसमें दमोह जिला संगठन प्रभारी धर्मेश घई, सह प्रभारी पवन पटेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष घनश्याम यादव, कांग्रेस नेता प्रदीप खटीक, नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक, उपाध्यक्ष प्रशांत पाठक, ब्रिजेश गुप्ता, भगवान दास चौधरी, दीपेश पटेरिया, राजेश जैन, मथुरा पटेरिया, रामस्वरूप उपाध्याय, कमला नेहरू वार्ड पार्षद नीरजा, हरिशंकर साहू, रामगोपाल जी वार्ड पार्षद मीना राजेंद्र सोनी, नवोदय वार्ड पार्षद कमला लखन कोरी, रमा कवि वार्ड पार्षद अंजार खान, आजाद वार्ड पार्षद परवीन वी, आकिफ खान, इमरान वजास, प्रदीप पटेल, जानकी अहरवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कराटे में प्रदर्शन करने वाले बच्चों का हुआ सम्मान हटा। नगर हटा के ब्लैक ड्रैगन कराटे एकेडमी के होनहार बच्चों का सम्मान किया गया। दरअसल मुंबई में आयोजित हुए एशिया कप में हटा के ब्लैक ड्रैगन कराटे एकेडमी के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें कई बच्चों ने अपनी प्रतिभा के बल पर मेडल जीते थे, जिसमें लाल सिंह ठाकुर, राकेश तिवारी के संरक्षण में बच्चों ने उक्त सफलता पाई थी, जिसमें हटा के 12 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 11 बच्चों ने मेडल प्राप्त किए थे, जिनमें 3 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीतकर नगर हटा के नाम मुंबई में रोशन किया था। इन्हीं बच्चों को उनके शानदार प्रदर्शन को लेकर सम्मानित किया गया। ठाकुर हटा कोच और मेरे साथी राकेश तिवारी, जो कि हम लोग 27 साल से करीब कराटे सिखाते हैं, तो हमारे बच्चे हर टूर्नामेंट में खेलते हैं, जो कि अभी 22 अक्टूबर को हम लोग बम्बई गए थे, तो जिसमें से 12 बच्चों को लुवा के गए थे, जिसमें से 11 बच्चे जीते, 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 6 कांस्य पदक विजेता रहे। बहुत शानदार प्रदर्शन किया बच्चों ने और आशा करता हूँ आगे जो टूर्नामेंट होगा ऐसा ही पार्टिसिपेट करें और जीते। मेरा नाम अर्जुन प्रजापति है। हम लोग इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट चैंपियनशिप खेले मुंबई गए थे, जो कि हम लोग यहाँ से 12 बच्चे गए थे, जो कि 12 ही बच्चे जीत के आए थे। 3 गोल्ड मेडल आए थे और सिल्वर आए थे, ब्रॉन्ज आए थे कुछ बच्चे के। ताकि ब्लैक ड्रैगन कराटे एकेडमी की स्टूडेंट हूँ, जो हमारे कोच हैं लाल सिंह ठाकुर और राकेश तिवारी, दोनों कोच के संरक्षण में और इन्हीं के मतलब आदेश के अनुसार हम लोग मुंबई में जो एशिया कप हुआ था इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट, उसमें से 12 बच्चे हटा के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गए थे। 12 बच्चों में से 11 बच्चों ने मेडल प्राप्त किए, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं और 3 सिल्वर मेडल हैं, 6 मेडल ब्रॉन्ज है। और हटा के सारे बच्चे जहां भी टूर्नामेंट में जाते हैं हर जगह से विजेता घोषित होके आते हैं। कुंडलपुर में भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा। कुंडलपुर श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को जैन धर्म के 24वीं तीर्थ कर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर संत श्रोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रातः भक्तामर महामंडल विधान, पूज्य बड़े बाबा का अभिषेक, शांति धारा पूजन के साथ अत्यंत भक्तिभाव से निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। दोपहर में मिष्ठान वितरण एवं कुंडलपुर
क्षेत्र कर्मचारियों को पोशाक का वितरण होगा। सायंकाल 48 दीपों के साथ भक्तामर पाठ एवं पूज्य बड़े बाबा की संगीतमय महाआरती होगी। इस अवसर पर पुंडरपुर क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष चंद्र कुमार सराफ, महामंत्री चौधरी रूपचंद जैन ने धर्म श्रद्धालुओं से पुंडरपुर पधार कर पुण्यार्जन का अनुरोध किया है। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव की पूर्व संध्या 24 अक्टूबर दिन सोमवार को रात्रि 8:30 बजे से स्थानीय वर्धमान सागर सरोवर में बड़े बाबा मंदिर के कृत्रिम मॉडल का जलावतरण किया जाएगा। 23 अक्टूबर को भगवान पद्म प्रभु का जन्म एवं तप कल्याणक मनाया जाएगा। कुंडलपुर सुप्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में जैन धर्म के 6वीं तीर्थकर भगवान पद्म प्रभु का जन्म एवं तप कल्याणक 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तमर महामंडल विधान, पूज्य बड़े बाबा का अभिषेक, शांति धारा पूजन विधान होगा। श्री जी का पालना झुलाया जाएगा। सायंकाल भक्तमर पाठ एवं पूज्य बड़े बाबा की संगीतमय महाआरती होगी। बाल विवाह रोकने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल जलाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। शासन के निर्देश अनुसार बाल विवाह मुक्त अभियान के लिए महिला बाल विकास हटा द्वारा आज विभिन्न सेक्टरों के आंगनबाड़ी केंद्रों में पदस्थ कार्यकर्ताओं सहायिकाओं द्वारा गांव में कैंडल लेकर जागरूकता कार्यक्रम किए गए। मरियादो सेक्टर में पर्यवेक्षक मिनी अर्पिता नाथन के निर्देश पर आंगनबाड़ी अमले द्वारा गाँव गाँव में महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को बाल विवाह के नुकसान बताकर प्रेरित किया और बाल विवाह न करने की सलाह दी ताकि अभियान सार्थक हो सके।